हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की मंगलवार की रात की प्रार्थना में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें दिन भर संभाला और यह अच्छा सा समय दिया है कि हम इस समय प्रार्थना कर सके, प्रभु का धन्यवाद कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी संकट है, कोई भी प्रॉब्लम है, और मनुष्य का जीवन प्रॉब्लम से भरा हुआ रहता है, लेकिन प्रभु हमें उन प्रॉब्लम से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु आपको निश्चय सारी समस्याओं से आजाद करेंगे, सारी समस्याओं को आपकी जिंदगी से निकाल देंगे। विश्वास करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज की इस प्रार्थना में हम सभी भाई बहन मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परमेश्वर पिता आस पड़ोस वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपके सेवक है मेरे खुदावन, जो आपके दास है मेरे खुदावन, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता। उन दासों को परमेश्वर पिता आपने ब्लेस किया है, सच में उनके द्वारा प्रभु आप अद्भुत कामों को कर रहे हैं मेरे खुदावन। जिस भी परमेश्वर पिता जगह पर, परमेश्वर पिता किसी भी जगह पर परमेश्वर पिता, फॉरेन में, इंडिया में मेरे खुदावन, झारखंड, पंजाब, परमेश्वर पिता महाराष्ट्र, जिस भी जगह पर परमेश्वर पिता आपके सेवक परमेश्वर पिता प्रभु आपके सुसमाचार का काम करते हैं मेरे खुदावन, सच में मेरे खुदावन उनकी जिंदगी को आपने ब्लेस किया है और उन्हें आशीष का कारण ठहराया है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी के लिए कि पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु शैतान की चालों से बचाना। प्रभु आपने सच में उन्हें आशीषित किया है और उनके द्वारा प्रभु आप अद्भुत कामों को कर रहे हैं मेरे खुदावन। दया कीजिए और परमेश्वर पिता आगे और आगे और आगे आप बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। इन भाई बहनों के भी, भाई बहनों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, ये परमेश्वर पिता आशीषित हो जाए। ये जिस भी समस्या में है मेरे खुदावंद इस समय, जिस भी बीमारी में है, जिस भी परमेश्वर पिता प्रॉब्लम से ये परेशान हो चुके हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता उस प्रॉब्लम से आप इन्हें बाहर निकालिए प्रभु यीशु मसीह। सच में जिससे आप परमेश्वर पिता आज़ाद करते हैं वही सच्चा आज़ाद होता है मेरे खुदावंद। इस कारण से आपने हमें आज़ाद किया है, आपने हमें शुद्ध किया है, आपने हमें पवित्र किया है। हम परमेश्वर पिता संसार में जी रहे थे तब प्रभु हमारे अंदर पाप की भावना थी, लेकिन पिता परमेश्वर अब आपने हमें शुद्ध किया है, आपने हमें पवित्रता के लिए ठहराया है। हम धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर पिता सच्चे पवित्र बन चुके हैं और परमेश्वर पिता स्वर्गीय राज्य के लिए, परमेश्वर पिता इस पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए और परमेश्वर पिता बाइबल को पढ़ने में मदद कीजिए प्रभु। इन भाई बहनों को भी प्रभु बाइबल को पढ़ने में, वचन को पढ़ने में मदद कीजिए और वचन को समझने में प्रभु मदद कीजिए, क्योंकि जब आपका वचन हमसे परमेश्वर पिता हमें समझता है तब आपके वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं और परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता हमें आप परमेश्वर पिता वचन के द्वारा प्रभु समझाते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे चले, हम अपना चाल चलन कैसे रखें। ये सारी बातें हमें परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा आप बताते हैं मेरे खुदावंद। इन भाई बहनों को वचन समझ में आए और प्रभु ये प्रार्थना में बढ़ते चले, आराधना में बढ़ते चले और बाइबल को दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में प्रभु बढ़ते चले, ऐसा प्रभु इन्हें अनुग्रह देना। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन।